हम सभी की तरफ से हिंदुस्तान टीवी न्यूज के सभी दर्शकों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित द्वारका रेजिडेंसी रोहता पर महिलाओं ने हरियाली तीज का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। जहां महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाई तो वहीं भारतीय परिधानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्र भी धारण किए। वहीं महिलाओं ने हरियाली तीज के मौके पर हरी हरी हाथों में चूड़ियां भी पहनी। साथ ही साथ 16 श्रृंगार करके महिलाएं सज धज कर हरियाली तीज का त्यौहार मनाने के लिए पहुंची। महिलाओं का कहना है कि इस मौके पर उन्होंने अनेक प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम भी किए, वहीं उन्होंने डांस भी किए तो अनेक प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम भी किए जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं ने बताया कि हरियाली तीज श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और स्त्रियों के लिए यह विशेष दिन होता है। हरियाली तीज को मधुश्रवा तीज या श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। तीज पर महिलाएं श्रृंगार कर झूला झूलने जाती हैं। कहते हैं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिव और पार्वती का पुनः मिलन हुआ था, इसलिए शिव पार्वती का विशेष पूजन किया जाता है। सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु को व्रत भी करती हैं। इस बार यह त्यौहार 31 जुलाई यानी कि रविवार के दिन हरियाली तीज का त्यौहार मनाया गया है। आपको बता दें कि महिलाओं का कहना है कि तीज पर स्त्रियाँ भगवान से पार्वती का पूजन कर व्रत रखती हैं और यह व्रत उन्हें अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। इस व्रत से पति के जीवन में आरोग्य सफलता, घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि रहती है। इस मौके कॉलोनी की बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार महिलाएं एक के बाद एक प्रोग्राम करती हुई नजर आ रही है। महिलाओं ने अनेक प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम किए। महिलाएं देखिए यहाँ किस प्रकार वॉक करते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि महिलाओं ने फैशन शो भी किया। इसमें देखिए किस प्रकार महिलाएं एक के बाद एक अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाएं हरे परिधान में है। भारतीय परंपरागत त्योहारों को मनाने के लिए यहाँ युवतियों का कहना है, बेटियों का कहना है कि हमारे देश में आजकल पश्चिमी सभ्यता धीरे धीरे हावी होती जा रही है, ऐसे में हमें मिलजुल कर भारतीय त्योहारों को मनाना चाहिए। इस प्रकार के त्यौहार मनाने से जहाँ सभी लोगों में आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ता है तो वहीं एक दूसरे से मेल जोल भी बढ़ता है। इस प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए। समय समय के पर अगर इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो महिलाओं को कुछ अलग देखने को मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा है उत्साह वर्धन के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम समय समय पर होते रहने चाहिए। तो आइए जानते हैं महिलाओं से, युवतियों से, बेटियों से किस प्रकार का ये कार्यक्रम है और क्या कुछ कहना चाहती हैं इस कार्यक्रम को लेकर, किस प्रकार उन्होंने हरियाली तीज का त्यौहार मनाया है। तो देखिए किस उत्साह के साथ महिलाएं, युवाएं, बेटियां सभी उत्साह के साथ हरियाली तीज का त्यौहार मनाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं इस त्यौहार को देखने के लिए महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं भी कॉलोनी में पहुंची हैं। तो आपको अगर ये खबर पसंद आए तो हमारे चैनल को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए जानते हैं महिलाओं से किस प्रकार का ये प्रोग्राम है। नालावानी द्वारका रेजिडेंसी। देखिए श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उसमें हम हरियाली तीज का उत्सव मनाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती मैया का पुनर्मिलन हुआ था। ये कहा जाता है पौराणिक कथाओं में कि 107 बार माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, लेकिन 108 बार जो जन्म था उनका उसमें आज के ही दिन हरियाली तीज के दिन उनका पुनर्मिलन हुआ था। इसीलिए सभी
सुहागिन स्त्रियाँ जो हैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते हैं और महिलाएं 16 श्रृंगार करके इस उत्सव को मनाती हैं। आपके यहाँ किस तरीके से मनाया गया है, कितनी महिलाएं इकट्ठी हैं, किस तरीके? लगभग हमारे यहाँ 70 के करीब महिलाएं होंगी और सभी ने बहुत ही अच्छे से प्रतिभाग किया है इसमें प्रोग्राम में। कई तरह के प्रोग्राम हमने आयोजित किए, कई तरह के गेम्स थे, डांस के प्रोग्राम से अंताक्षरी, कई तरह के प्रोग्राम किए हमने इसमें। मेरा नाम अलका सोनी है और हम द्वारका रेजिडेंसी से हैं। आज किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज हरियाली तीज के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया जो हमने कई दिन पहले से तैयारी की थी इसकी, और सभी महिलाएं काफ़ी खुश और उत्साहित हैं इसको लेके, उत्साहित थी मतलब, और आज सब ने बहुत अच्छे से बहुत खुश होके ये प्रोग्राम किया और बस अब खाना पीना है। और प्रोग्राम रहे और कौन कौन से प्रमुख प्रोग्राम रहे? हाँ, इसमें हमने कुछ गेमिंग वगैरह रखी, जैसे कि म्यूजिकल चेयर था, अंताक्षरी थी, या पिलो जो कैच पिलो वाला वो होता है वो था, और सभी महिलाओं ने बड़े खुशीपूर्वक डांस कॉम्पटिशन था, कैटवॉक था, ये सब सभी ने भाग लिया इसमें और बहुत अच्छे से इसे पूरा किया। बहुत बहुत अच्छा लगा आज सबको। मिस नीलम कुशवा, आई लिव द्वारका रेजिडेंसी। हमारे यहाँ द्वारका रेजिडेंसी में एक प्रोग्राम हुआ है, उसमें सारी महिलाओं ने मेहंदी लगाया है और हरी चूड़ियाँ पहनी है, हरी साड़ी पहनी है, हरा श्रृंगार किया है। ये हमारा तीज है ना, राजस्थान का एक फेमस त्यौहार है। हमें इसे बहुत खुशी मिलती है कि इन त्योहारों को मनाया जाए और आगे भी हम इन त्योहारों को मनाते रहें। पहले तो नहीं मनाएगा लेकिन हम आगे कोशिश करेंगे, हम मनाएंगे त्योहार। मुझे बहुत खुशी हो रही है और हमारी सारी महिलाओं को बहुत खुशी। तीज हमारा शंकर जी और पार्वती के उपलक्ष्य में मनाया गया और बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत सारे गेम हुए हैं और बहुत ही आनंद किया। क्या कहना चाहोगी आज के प्रोग्राम? आज के प्रोग्राम का बहुत आनंद आया है हमको और हमेशा ऐसे ही मनाएंगे, और लोग बहुत औरतें लेडीज बहुत खुश हैं, सक्सेसफुल रहा, सबने डांस किया है, काफ़ी एंजॉय किया। मेरा नाम लता है। किस प्रकार का प्रोग्राम है? हरियाली तीज का प्रोग्राम है और ये सावन के महीने में आता है, तीज को पड़ता है, सावन के महीने में तीज को पड़ता है। इसमें सभी लेडीजें जो होती हैं वो मतलब कैटवॉक, म्यूजिकल चेयर और अंताक्षरी वगैरह जो प्रोग्राम है वो सब किए हुए हैं और क्या कहते हैं, काफ़ी इंजॉय किया है सारी लेडीजों ने। काफ़ी छोले भटूरे खाए। अच्छा प्रोग्राम रहा, काफ़ी सक्सेसफुल रहा, सारी लेडीजों ने काफ़ी इंजॉय किया, आगे भी ऐसे प्रोग्राम होने। द्वारका रेजिडेंसी बहुत चीज़ ऐसी अच्छी लगती है जो कार्यक्रम करते हैं, हरियाली तीज है और भी कार्यक्रम होते हैं तो सब लोग लेडीज़ में भाग लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है सब लोग। आज किस तरीके की प्रतियोगिता? बहुत अच्छा हुआ, गेम हुए, डांस हुए और मेहंदी भी हुई और हरियाली तीज भी हुई और बहुत अच्छा लगा सब लोग लेडीजों को के लिए आनंद हुआ है। ऐसा ही चलता रहा है भगवान की कृपा से। हरियाली तीज को दिन मनाई जाती है। आज के दिन शिव पार्वती और शिव शंकर जी मिले हुए थे, इसे आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारी लेडीजों ने काफ़ी इंजॉय किया है, गाना उसमें म्यूजिक वगैरह रखा हुआ है, सभी लोग ने अच्छा से बहुत, और यही बहुत अच्छा लग रहा है। आगे सोचते हैं कि ऐसे ही आगे चलता रहे इसी चीज़ के लिए। हरी साड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ, हरी मेहंदी, हरी बिंदी, सभी नेकलेस वगैरह सभी लेडीजों ने काफ़ी वो इंजॉय किया है, काफ़ी तरह से पहना है, सब चीज़ों में बहुत अच्छा लगा। तरीके के फेस्टिवल होने चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ जो है अच्छी रहती हैं, यानी वुमेंस को भी एक अलग माहौल मिल जाता है, बच्चों को भी अलग मिलता है, क्योंकि एक जैसी हम इन्वायरमेंट में रह रहे के भी परेशान हो जाता है एक इंसान। आजकल युवा वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं और आप इस तरीके का त्यौहार मना रही हैं, क्यों मना रही हैं? देखिए, ये हमारी हिंदू संस्कृति है जिसको हमें सपोर्ट करना चाहिए और आगे भी करते रहेंगे, और ये वुमेंस के लिए एक मेन फेस्टिवल है फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदू का त्यौहार है। रजनी अग्रवाल। आज किस तरीके का कार्यक्रम है? आज हरियाली तीज का प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा, सबने ग्रीन ग्रीन पहन रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये प्लो का हुआ था और चेयर का हुआ था, सारे गेम हुए थे यहाँ पे और सबने अच्छा इंजॉय किया था।
लोग जैसे हिंदी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उनको याद दिलाने के लिए कि हमारी हिंदू संस्कृति में कोई भी हरियाली तीज का प्रोग्राम, इसीलिए हमारी कॉलोनी द्वारका रेजिडेंसी में ये प्रोग्राम रखा गया। इसमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, म्यूजिकल चेयर खेली, दम चराज हुई और पिलो वाला गेम भी हुआ। यहाँ बहुत सारे गेम हुए, लेडीज ने बहुत इंजॉय किया और सब बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे। आप सब लोग प्लीज़ देखिएगा इनके हिंदुस्तान सीवी न्यूज़ को, सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल पे, हमारा प्रोग्राम देखिए प्लीज़। एक्चुअली ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था क्योंकि ऐसे लोगों को एक दूसरे के संग इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। कई लोग एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते, कई लोगों में कई प्रॉब्लम्स होती हैं ज़िंदगी में। ऐसे प्रोग्राम सेलिब्रेट करना हमको मौका मिलता है कि हम एक कुछ और सोशली एक्टिव रहें, इंटरेक्ट कर सकें, बहुत सारे मौके मिलते हैं और अपनी हिंदू बहुत खुशियाँ मिलती है। प्रोग्राम अच्छा है लेकिन प्रोग्राम ज़्यादा मज़ा आता है कि प्रोग्राम ऐसी लोगों बहुत ज़्यादा अच्छा। एक्चुअली ये यूथ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट है वो अपनी पढ़ाई में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनको अपने आप को जीने का मौका नहीं मिलता है, तो ऐसे प्रोग्राम से वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं। इससे हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने यहाँ खूब इंजॉय किया, पढ़ाई से थोड़ा हटके कुछ किया जो कि जिससे हमें बहुत आनंद आया। हैप्पी हरियाली।